नमस्कार, आज की बात मीत मिश्रा के साथ लेकर आया हूं आपके लिए लोकतेज पे, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं संजय इझावा। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवाना चाहता हूं कि गुजरात हाई कोर्ट ने अभी अभी एक फैसला दिया है। फैसला ये दिया है कि भाई आप जो भी मॉल्स हैं जहां पे आप शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे पार्किंग के लिए कोई चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अब आपको पार्किंग फ्री में मुहैया करवाना मॉल की जिम्मेदारी है। पर आप ये जानते हैं कि सूरत से संजय इझावा जी हैं जिन्होंने PIL दाखिल किया था, और उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की कोशिशों की बदौलत ये मुमकिन हो पाया है, ये जो फैसला है वो आ पाया है। तो संजय जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा कालक्रम जो था इस PIL तक पहुंचने का, उसके बारे में हमें पूरा ब्यौरा दीजिए। करीबन 1.5 साल पहले मैंने एक मॉल पे गया था खरीदी करने के लिए, तो उधर मैं पेमेंट दिया पार्किंग के लिए। बाद में मुझे तुरंत दूसरी मॉल पे भी जाना पड़ा, तो उधर भी मुझे मेरे पास पैसा लेना मजबूर हो गया है देने के लिए। तो मुझे ये लगा तो शायद अगर मैं कस्टमर होकर कोई जगह पे जाके अगर खरीदी कर रहा हूँ, मैं उधर मनी मेरा स्पेंड कर रहा है, तो मुझे पार्किंग का सुविधा तो देना ही चाहिए उनको। तो और कई मॉल ऐसा है वो पार्किंग के चार्जेस लेता भी नहीं है। तो मुझे ये जानने के लिए मैं RTA किया। RTA के अंदर CGDCR का जो पूरी की पूरी मैटर मुझे दिया गई, तो उसके अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है पार्किंग का जो 50% जो एरिया FSA में होता है, वो 50% एरिया पार्किंग में कवर करना है। तो वो कवर किए हुए जगह पे FSA में से बात भी मिल रही है, और उसके ऊपर से वो प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो भी माफ किया जाता है। तो ये जो बेनिफिट है वो सीधा कस्टमर तक जाना चाहिए, इसके लिए ये सब किया हुआ है। तो ये बेनिफिट कस्टमर को मिल नहीं रहा है, और ऊपर से उनके पास से 30-40 रुपया लेके पार्किंग का सुविधा भी दे रही है, और ऊपर से बोर्ड भी रखा है अगर कुछ चोरी हो गया, कुछ आपका नुकसान हो गया, तो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं। तो इसके सामने आवाज उठाना तो फर्ज बनता है जागृत नागरिक है। तो मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर सर से मिला इसके बारे में, 3-4 बार उनके साथ बातचीत किया, लेकिन कोई चौकस मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो लास्ट में मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा और PIL दाखिल किया इसके बारे में। और PIL में माननीय हाईकोर्ट ने तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और बाकी सब पुलिस डिपार्टमेंट को नोटिस भेजी उसकी जवाब देने के लिए। और इसके बाद में जो भी नोटिस पुलिस ने मॉल संचालक को जो दिया है, भाई 3 दिन के अंदर आपको ये स्पष्टता करना है, आपके पास कोई पुरावा है पार्किंग के चार्जेस लेने के लिए तो हमें बताइए, अन्यथा आपको 3 दिन के बाद में ये जो पार्किंग चार्जेस लेने की जो सिस्टम है वो बंद करनी है। तो मॉल वाला ने ये नोटिस लेकर सीधा पहुंच गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में पहुंचा और बोला, स्पेशल केस में दाखिल करके बोला, हमें तो ये सब संभालने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए, स्वच्छता जलवाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, CCTV के लिए, सब में खर्चा लग रहा है, तो इसके लिए हमें पैसा कस्टमर के पास लेने की अनुमति दीजिए। सिंगल बेंच ने उनको अनुमति भी दी थी 1 घंटे फ्री, बाद में 2 व्हील के लिए 10 रुपया और 4 व्हील के लिए 30 रुपीस, 30 रुपीस लेके उन्होंने पूरे दिन के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा जजमेंट बाहर निकाला। तो ये तो साला गलत हो गया, तो मॉल वाले को पता चला, ये तो हम फंस गए, 1 घंटे के अंदर लोगों तो खरीद करके चला जाएंगे, बाकी तो जो हाथ में आएगा तो वो कम ही लोग आएंगे। तो उन लोगों वापस गया डिवीजन बेंच में अपील के लिए। तो डिवीजन बेंच ने उनको स्टे तो दे दिया है, जिससे हाल में जो चल रही है वही सिस्टम अभी चला लो तब तक जब तक डिसीजन ना आए, तो इन लोगों चलाने का अनुमति दे दी और हम आज तक वो पेमेंट करते रहे। लेकिन अभी अभी हाईकोर्ट ने एक चुकादा दिया है, CGDCR अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं उसमें 50% उनको पार्किंग की जगह रखनी है, ये जगह पे आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। अगर कमर्शियल एक्टिविटी किया आपने तो उसकी सामने कार्यवाही करने की जोगवाई भी उसके अंदर है। तो ये मैटर तो सेम हो गया, अगर कोई कमर्शियल मॉल है या कोई भी शॉपिंग मॉल है उसके अंदर अगर पार्किंग के लिए चार्जेस ले रहे, पैसा ले रहे, तो वो कमर्शियल एक्टिविटी हो गया। तो कमर्शियल एक्टिविटी CGDCR मना कर रही है और इधर ये लोगों कर रहे हैं। तो कोर्ट ने ये पकड़ा है, आप लोगों के पास कोई सत्ता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कस्टमर के पास से पैसा पार्किंग के रूप में लेने के लिए, तो आप तुरंत बंद कर दीजिए। ये फैसला कोर्ट ने सुनाया है और हम लोगों इसको बधाई दे रहे हैं, इनके पीछे जितने भी सपोर्ट किया है
जिन लोगों ने काम किया है सबके मेहनत से ये हुआ है। वेल संजय जी, ये बताइए कि ये जो जो फैसला आया है वो सिर्फ मॉल्स के लिए है या फिर सूरत तो आप जानते ही हैं कि मतलब कितनी सारी टेक्सटाइल मार्केट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मार्केट में अगर आप जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो पार्किंग का चार्ज आपको देना पड़ता है, तो क्या ये फैसला उनको भी लागू पड़ता है? जरूर मित जी, इसमें कमर्शियल मॉल की भाषा में आती है, जो टेक्सटाइल जितना भी जो बिल्डिंग है जो काम कर रही है वो सब कमर्शियल मॉल में आती है। तो कमर्शियल मॉल चाहे टेक्सटाइल का हो या रिंग रोड का हो या अदर कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी जगह पे हो, पूरी गुजरात के अंदर कहीं भी चल रही है, वो सबके लिए लागू पड़ती है और सबको ये पार्किंग के चार्जेस फ्री देना है। वाओ, तो भाई ये जो वीडियो है उसे मैक्सिमम आप शेयर करें और सब तक पहुंचाएं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अगर कहीं भी घूमने जाते हैं, मॉल में कहीं भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और वहां पे अगर आप पार्किंग का फीस पे करते हैं तो आप किस तरह से उसमें से बच सकते हैं, किस तरह से किसे आप बताएं तो आप जो पार्किंग की फीस आप पे कर रहे हैं वो गैरकानूनी हो जाएगा, उसके बारे में अब संजय जी आपको बताने जा रहे हैं कि किसको बताया जाए ताकि जो पैसे पे करने पड़ते हैं उससे बचा जा सके। अगर आपसे कोई मांग कर रहे है पैसा के लिए, पार्किंग के लिए, तो आप उनको समझाइए पहले, माननीय हाईकोर्ट ने तो हुकुम दिया है तो फिर भी आप किस लिए मांग रहा है। अगर फिर भी वो नहीं मान रहे हैं तो आप सीधा 100 नंबर पे कॉल करके आप मदद ले सकते हैं पुलिस का, और पुलिस आपको जरूर आप सहायता देंगी। अगर उसके बाद में भी आपको अगर नहीं माना गया, अगर पैसा भरना पड़ा, तो वो स्लिप लेके आप सीधा नजीक के पुलिस स्टेशन में जाइए, कंप्लेंट दर्ज कीजिए, एक कंटम ऑफ कोर्ट हुआ है तो उसके सामने कार्यवाही होनी चाहिए। तो ये स्लिप लेके आप जरूर जाइए और लोगों को भी ये अवेयरनेस फैलाइए, और आप अगर एक बार पैसा दे रहे हैं तो पीछे खड़े वो भी दे देंगे, उसके पीछे खड़े वो भी दे देंगे, लेकिन शायद मध्यवर्ग के ऊपर के लोगों है उनको ये फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मध्यवर्ग और लो कैटेगरी में जो रहते हैं उन लोगों, अगर जो बाइक लेके फोर व्हील लेके अंदर गया तो उनको तीन चार जगह पे ऐसे पार्किंग का फीस देना पड़ा तो उनको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जो सिस्टम है अभी बंद होनी चाहिए, आप भी जागरूक हो जाइए। अगर कोई भी जगह पे आपको पैसा भरना पड़ा तुरंत आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए, और पुरावा के साथ आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए, आपको जस्टिस जरूर मिलेगी। वेल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये खौफ रखते हैं कि पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप उनके साथ जाते हैं और उनको बड़ी पोलाइटली, बड़ी विनम्रता के साथ, जो कहते हैं ना एक सलूक के साथ, अगर आप उनसे अपनी बात बताएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात सुनेंगे, और फिर भी अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो जिन प्रजा के प्रतिनिधियों को हमने चुना है उन्हें आप जाके बताएंगे तो डेफिनेटली वो हमारी बातें जो है वो सुनेंगे ही सुनेंगे। फिर से मिलेंगे लोकतेज पे इसी तरह से आज की बात मीत मिश्रा के साथ लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।